गजब का स्वाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनीति शर्मा। आज हम काले गुलाब जामुन बनाएंगे, वो भी बिल्कुल जैसे हलवाई बनाते हैं, उन्हीं से पूछ करके और उन्हीं की मदद से आज हम ये गुलाब जामुन बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम चाशनी की तैयारी करेंगे। ये मैंने 1 लीटर पानी लिया है और ये मैंने 2 किलो चीनी ली है। आपको रेशियो ध्यान रखना है, 1 लीटर पानी और 2 किलो चीनी ली है, इसकी हम चाशनी तैयार कर लेंगे। जब तक चाशनी हमारी पकती है हम अपने गुलाब जामुन की तैयारी करेंगे। यहाँ पर हमने 1 किलो मावा लिया है, 200 ग्राम हमने मैदा ली है, 1 चुटकी हमने खाने वाला सोडा लिया है, 50 ग्राम हमने सूजी ली है। सूजी को मैंने थोड़े से पानी के साथ भिगो दिया था जिससे कि सूजी सॉफ्ट हो जाए। आधा छोटा चम्मच हमने इलायची पाउडर लिया है, जो हमने सूजी भिगोई थी सूजी को भी हम सारे सामान के साथ मिला देंगे। अब इन सबको हम बिल्कुल आटे की तरह इसका डो तैयार करेंगे और एकदम सॉफ्ट कर लेंगे। अब हम अपने भैया से सीखेंगे कि इसको किस तरीके से मलना है। इसका एकदम सॉफ्ट डो आटे की तरह तैयार करना है। आप जितना अच्छा इसे मलेंगे उतने अच्छे हमारे गुलाब जामुन बनेंगे। अब इस डो में हम 50 ग्राम चीनी डालेंगे क्योंकि हमें अपने काले जाम बनाने हैं। चीनी को भी हम बिल्कुल मिला लेंगे। अब हम गुलाब जामुन के लिए लोई ले लेंगे, जितने बड़े आपको बनाने हैं उतनी आप ले लीजिए। अब इसके अंदर हम बताशा भरेंगे, जो ये बताशे गुलाब जामुन के अलग आते हैं छोटे वाले, और इसको हम इस तरीके से अभी रखते जाएंगे। हम इसकी बॉल तैयार करेंगे, इसको हम बिल्कुल गोल गोल घुमाते जाएंगे अपनी हथेलियों पर। हमने घी को गर्म करने के लिए रख दिया है, ये मैंने देशी घी लिया है, आप चाहे तो रिफाइंड भी ले सकते हैं। अभी हम डालकर देखेंगे घी गर्म है या नहीं। घी अभी हमारा गर्म नहीं हुआ है। चाशनी हमारी तैयार हो गई है, हमें इसे कोई भी एक या तार या दो तार नहीं लेना है। गैस को हम ऑफ करेंगे और गुलाब जामुन बनाने की तैयारी करेंगे। हमने मैदा को थोड़ा सा प्लेट पे फैला लिया है जिससे हम बॉल रखेंगे तो बॉल हमारी चिपकेगी नहीं और एकदम से गोल बनी रहेगी। ऐसे ही हम अपने सारे गुलाब जामुन बताशे भर के तैयार कर लेंगे। मैं आपको एक टिप्स बताती हूँ, भैया ने बताया है, अगर गुलाब जामुन में कहीं भी क्रैक आ रहा है तो आप थोड़ा सा हाथ पर पानी मल लें और उसे फिर से उसकी बॉल बना दें। घी गरम हो गया है, जो बॉल्स हमने बनाकर रखी थी बिल्कुल धीरे से हम इसमें डालेंगे और गैस को कम ही रहने देंगे, नहीं तो ये अंदर से कच्चा रह जाएगा, बाहर से पक जाएगा। अब इसको हम बराबर हल्के हाथों से चलाते जाएंगे जिससे कि इसका कलर चारों तरफ से बिल्कुल अच्छा सा आएगा। जब हमने गुलाब जामुन डाला था तो गैस को एकदम कम रखा था, अब थोड़ा सा पक गया है तो गैस को हम थोड़ा सा तेज कर देंगे क्योंकि हमें इसका कलर अच्छा काला देना है, क्योंकि हम काला जामुन बना रहे हैं। ये आप देख सकते हैं इनका कलर बहुत अच्छा आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा इसे हमें अभी और डार्क कलर देना है। ये हमारा काला जाम बनकर तैयार है, इसका कलर भी बिल्कुल परफेक्ट आया है। अब हम इसे निकालेंगे और ये चाशनी को हमने थोड़ा सा ठंडा कर लिया है, चाशनी एकदम गुनगुनी है। अब हम इस काले जाम को अपने गुनगुनी चाशनी में डाल देंगे। अब हम अपने और गुलाब जामुन डालेंगे। ये हमारे और गुलाब जामुन तैयार हो गए हैं। मैं आपको एक टिप्स और बताती हूँ, भैया ने बताई है, अगर आपको ये छूने में ज्यादा सॉफ्ट लग रहा है तो आप इसको हल्की गुनगुनी चाशनी में डालेंगे, या आपको हार्ड लग रहा है तो आप इसको गर्म चाशनी में डालेंगे। ऐसे ही हम इसे भी हम चाशनी में डाल देंगे। हमारे गुलाब जामुन तैयार हो चुके हैं, हमने इन्हें ढक करके 2 घंटे के लिए रख दिया है। इसमें मैंने थोड़े से गुलाब जामुन बेबी गुलाब जामुन बनवाए हैं जो मार्केट में मिलते हैं। अब हम इसे एक सर्विंग बोल में रखेंगे। ये हमने सर्विंग बोल में रख दिया है, जो इसका कलर एकदम ब्लैक आया है, मैं आपको बता दूं वो हमने चीनी डाली थी इस वजह से आया है, और अब ये सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपी
पसंद आई है। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने अनुभव हमसे शेयर जरूर करें।